गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइल की होंगी अपने को एक सॉफ्ट आयरन ले जाती है राउंड शेप जिसे अपने को एक वायर की होंगी लपेटी होंगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए। आप जी कॉइल लें अपने को रेडियस की होगा ए होगा विद सेंटर और उसका सेंटर आप लैके चलना ओ। लैट द प्लेन ऑफ द कॉइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। जोड़ा भी अपने कोइल लेनी है वह जो प्लेन हूँ अपने को एक कॉइल तुम लै ली है वह प्लेन है जो वो अपने को पेपर दे हो गया परपेंडिकुलर हो गया। एंड करंट आई बी फ्लोइंग इन द कॉइल हूँ जो अपने को जोड़ा करंट है आई फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ए शोन। अपने को डायरेक्शन इतने दिखाई गई है एंटी क्लॉक वाइज का जोड़ा करंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अपने कोइल की करेगा मूव करेगा। फस्ट ऑफ ऑल आप लिया सपोज कर लिया पी इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। पी अपने कोई पॉइंट लै लिया अपने को सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के उपर एट अ डिस्टेंस एक्स जोड़ा अपने को सेंटर तो लैके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो आप कि लेना एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर तो क्लीयरली आप ओ पी की राइट कर लिया इक्वल टू एक्स। कंसीडर किया टू स्मॉल एलीमेंट ऑफ अ कॉइल ईच ऑफ लेंथ डी एल। दैन आप कॉइल के उपर टू एलीमेंट लेने ने जिन्हों की लेंथ अपने को हो डी एल एट सी एंड डी तो एक आप सी पॉइंट लेंथ ले ली डी एल एक आप डी पॉइंट से विच आर सिचुएटेड एट डायमेट्रिकली अपोजिट एज। तो जेडे भी अपने को लेने दो पॉइंट्स वो अपने को अपोजिट एज के उपर होने चाहिए ने। दैन अपने को पी सी जेड़ा अपने को पी सी है और पी डी है वह क्या है इक्वल टू रूट स्केयर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो अपने को आ गया हूँ देखो जिमें आप पिछले दे गल की सी तो पी तक अपना डिस्टेंस है जो आर है आपको पता ओ तो पी अपना की है एक्स है ओ तो ये रेडियस अपना की है ए है तो मैं ए वाली सारी चीज़ में की है एक ट्रैंगल की फॉर्म में लिया तो ओ पी अपना एक्स ओ ए सॉरी सी ओ अपना ए है सी पी अपना की है आर है। तो आप इतने देखिए एक ट्रैंगल बनती पी है जिसे आप लगावे पाइथागोरस तो वह अकॉर्डिंग की से अपना हाइपोटेन्यूज स्केयर इक्वल होंगे परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। जो आप स्केयर इधर हटावे दूसरी साइड जाके की लगेगा अपने को अंडर रूट तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर सी तो पी तक भी सेम वैल्यू आएगी और अपने को डी तो पी तक तो आप सी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू आर लिख लिया। लैट करके चल पे नैक्सट अपने को है सी पी ओ है ओ फाई सी पी ओ अपने को किन्ना दिता हो फाई सेम अपने को डी पी ओ भी किन्ना दिता अपने को एंगल फाई दिता हो। दैन उस तो बाद अकॉर्डिंग टू बायट सर्विट लॉ बायट सर्विट लॉ के अकॉर्डिंग की है मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन एट पी पी पॉइंट उपर जो मैगनैटिक फील्ड इंडक्शन है ड्यू टू करंट एलीमेंट आई डी एल एट पॉइंट सी। हूँ अपने को फाइंड करना है मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पॉइंट उपर कि करके सी पॉइंट से जो अपने को करंट एलीमेंट आई डी एल दे करके आ रही है। लास्ट टॉपिक आप मैगनैटिक फील्ड फाइंड की इस तरह सेम डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। हूँ इतने अपने को ए सी जो अपना की सीगा रेडियस दिता हुआ सी कहते अगर रेडियस में बहुत समॉल कर दिए तो जो अपना थीटा कि हो जाता है 90 degree का तो साइन की वैल्यू अपने को साइन थीटा 90 पुट किया तो साइन 90 कि आ गया 1 बाकी सेम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन की वैल्यू 1 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर क्योंकि आप आर की वैल्यू कढ़ी सी तो रूट के आएगी अगर स्केयरिंग लैने तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इतने अपने को शो किया होया। दैन उस बाद डायरेक्शन ऑफ डी बी मैगनैटिक फील्ड इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू डी एल एंड आर वैक्टर। पिछले दिन भी गल की जो डायरेक्शन होएगी डी बी की वह अपने को परपेंडिकुलर होएगी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड आर एंड इज डायरेक्टेड एज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग दसना दैट इज एक्टिंग अलोंग पी ई परपेंडिकुलर टू सी पी। तो जिमें अपने को डायग्राम के दिखाया डी बी अपने को डायरेक्शन मैगनैटिक फील्ड की पी ई दे परपेंडिकुलर की अपने को सी पी दे सेम आप की करना मैगनीट्यूड फाइंड करना डी दे उपर डी पॉइंट के करके पी दे उपर तो भी अपने को सेम प्रोसीजर चलेगा और जो अपने को मैगनैटिक फील्ड है आपू की डी बी डैश लैके चलोंगे जी अपने को पी एफ डायरेक्शन के होगी एंड पी एफ अपना की होगा परपेंडिकुलर टू डी पी होगा। तो सेम ए सारी गल की हुई है सिमिलरली द मैगनीट्यूड ऑफ मैगनैटिक फील्ड
induction at point P due to current element of length dl to d is given by ओनु आपां db dash देना शो कीता mu not upon 4 pi I dl sin 90 upon r square sin 90 अपना 1 हो जाएगा तो ओनु आपां मल्टीप्लाई कीता सेम आएगा r square दी जगह आपां x square plus a square सेम ओदी डायरेक्शन पहला ही दस्सी है pf परपेंडिकुलर की दी होएगा अपने कोल dp दी फर्स्ट एंड सेकंड जे इक्वेशंस दी गल करिए तो अपने कोल db एंड db dash दी जिहड़ी वैल्यू आ रही है दोनों अपने कोल की आ रही ने इक्वल आ रही ने तो mu not upon 4 pi I dl upon a square plus x square आपे पहला गल कीती सी cpo और dpo अपने कोल किन्ना सी phi और जे आपे इत्थे देखिए तां जो अपने कोल y pe और y dash pfo अपने कोल दोनों एंगल भी किन्ने ने phi दिते होए ने तां इन्हां दोनों नूं आपां की कीता रिजॉल्व कीता db ते db dash ते कंपोनेंट्स नूं आपां into two rectangular component तो आपा की कीता db ते db dash ते components नो resolve कीता जिदे नाल phi angle होंदा वा अपने कोल किया cos theta चे resolve हो गया second वाला किस हो गया sin theta ता db दे करके इधर db cos theta और x axis दे विच db sin theta same जेड़ा अपने कोल second वाले ते आ रहा है तो उते db dash cos phi and db dash sin phi आ गया तो जेड़ा अपने कोल first point दिता आया same db cos phi act along py आ रहा है एंड db sin phi x along px अपने को आ रहा है सेम इथे सेकंड पॉइंट db dash cos theta दसिया py दे एंड db dash sin theta अपने को px दे देन उस तो बाद गल करते हैं कंपोनेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दे आ रहे py ते py dash दे विच वो अपने को क्या रहे सी इक्वोजिट इक्वल आ रहे सी ते अपोजिट आ रहे सी जिदे करके वो अपने को क्यों हो जाएंगे दोनों जिवें हुण इत्थे अपने को दिखाया होया py दे विच की है db cos phi है py dash दे विच की है db dash cos phi ता दोनों की है इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन ता दोनों की हो जाएंगे कैंसल बट जो अपने को db sin phi आ रहा सी और db dash sin phi आ रहा है दोनों की है वो x एक्सिस दे ऊपर आता है इतना दोनों दिखी हो जाएगी अपने को एडिशन हो जाएगी इथे लिखे हुए अपने को द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग पी एक्स बींग इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड अप देन अपने को टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आ रही है एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू द होल सर्कुलर कॉइल तो जो आप होल के उपर देखनी है तो आप कर देने इंटीग्रेशन तो डीबी की इंटीग्रेशन कर दें आप डीबी की इंटीग्रेशन की अपने को कि आएगा बी आएगा आपने लिखा डीबी उन्होंने जो एंगल आ रहा है अपने को साइन फाई आ रहा है दोनों का प्लस किए तो आप डीबी की वैल्यू पुट करती साइन फाई अपने को एज इट इज़ आ रहा दैन अपने को इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू की हो रही है डीएल तो आप डीएल की विद रिस्पैक्ट टू इंटीग्रेशन करके बाकी कॉन्सटेंट टर्म आप ले लिया अगे ले लिया दैन उस तो बाद की है अपने को जो भी अपने को सारा दिखाया से उन्होंने मैं फिर एक ट्रैंगल की फॉर्म फस्ट की तरह लिया आप देखा सी भी अपने को जो सी पी सी ओ सी 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 ओ अपना ए सी ओ पी अपना एक्स सी एंड सी पी अपना आर इक्वल आ रहा सी एक्स ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट हुण आपां नूं पता जो अपने कोल साइन थीटा की हुंदा अपने कोल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इत्थे अपना किन्ना दिता होया ए दिता होया हाइपोटेन्यूज अपने कोल अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर तो उहदी आपां इत्थे साइन फाई इत्थे अपने कोल थीटा फाई दिता तो मैं फाई लिख लिया ए अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर एंड डीएल इंटीग्रेशन हो रही है सर्कुलर दे विच तो अपने कोल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिहदा रेडियस की दिता ए टू बाई ए आप राइट कर लिया दैन उस तो बाद आप वैल्यूज आ जड़िया सारिया पुट कर दें बी दे म्यू नॉट एज इट इज आई एज इट इज फोर पाई एज इट इज ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट में आप वन बाय टू पावर भी राइट कर सकते हैं और डीएल अपना टू बाई ए आ गया दैन अपने को बेस सेम है पावर्स की हो जाए एट द ए इंटू ए आ गया ए स्केयर सेम वन इंटू वन बाय टू तो जो अपने को वन प्लस वन बाय टू एलसीएम लिया अपने को हो गया थ्री बाय टू तो उन्होंने आप थ्री बाय टू राइट किया दैन उस तो बाद गल करने इतने आप एक की गल की अगर अपने को एन नंबर ऑफ टर्नस ऑन इन कॉइल के दैन अपने को जो डीएल आप कर दें कि एन नाल मल्टीप्लाई कर देंगे दैन अपने को आ गया अंडर रूट डीएल
2 पाई ई एन जो एन नंबर ऑफ टर्नस अपने को बाकी सारा एज इट इज एक की होगी नवी एन आ गई दैन स्पैशल केस की दी है स्पैशल केस के उन्होंने क्या है वैन पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल जो पी है हूँ कॉयल के सेंटर के मतलब जो अपने को पॉइंट पी पहला दूर पिया होया एक्स डिस्टेंस न बट हूँ वो एक्स अपना को हो गया जीरो हो गया तो अपने को जी थर्ड इक्वेशन आ रही है उस एक्स की वैल्यू आप पुट करती जीरो पुट करती तो ए स्केयर द पावर 3/2 जो ए की पावर 3/2 है तो 2 नाल 2 कैंसल अपने को कितना आ जाऊगा ए पावर 3 तो इतने आ गया सैकेंड की है वैन पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल जो बहुत दूर है तो एक्स है जोड़ा बहुत व्डा हो गया ए दे तो उत्थे अपने को ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया एनू आप निगलैक्ट कर देंगे तो हम आप ए की वैल्यू जीरो पुट करा एक्स न लैके चलोंगे तो सेम अपने को पावरस न कट करके कि आ जाऊ 2πni ए स्केयर अपॉन एक्स 3 आ गया दैन उस तो बाद देखते हैं पाई ए स्केयर आपको पता एरिया ऑफ सर्कल कि होंगे पाई आर द स्केयर बट इतने हम जी अपने को आर है वह किल है एक्वल है तो आप पाई ए स्केयर हटा के की लगाता ए तो इतने आप लिखा पाई ए स्केयर इक्वल टू ए अपने को एरिया ऑफ करंट लूप दिता हुआ दैन उस तो बाद अपने को दिता जाए कि लिख सकते हैं अपने को बी लिया म्यू नॉट अपॉन 4π टू ये सारी टर्म आप एन आई ए लिखता एम अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज़ जो अपने को एम है मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप एन आई ए अपने को एम दे इक्वल लिखता हम लिखता मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप तो हम कहते जो करंट लूप है कैन बी रिगार्डेड एज द मैगनैटिक डायपोल विच प्रोड्यूस इट्स मैगनैटिक फील्ड तो कहते जो अपने को करंट लूप है मैगनैटिक डायपोल की तरह भी बोल सकते हैं जो अपने को मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है सैकेंड अपने को मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप एम की चीज़ अपने को इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम्पीयर टर्म आपको पता करंट अपने को एम्पीयर के होंगे एन की अपने को एन नंबर ऑफ टर्म्स तो प्रोडक्ट है अपने को एम्पीयर टर्म्स एंड एरिया ऑफ करंट लूप तो ए अपने को दिता हुआ सी एरिया दिता हुआ तो उतो आ गया मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम्पीयर टर्म एंड एरिया ऑफ करंट लूप एन आई ए दैन एस आई यूनिट्स अपने को मैगनैटिक डायपोल है जो एम्पीयर पर मीटर स्केयर होंगे ने दैन थर्ड पॉइंट अपने को कह रहा स्पैशल केस कहते वैन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉइल कहते अपने को रेडियस दिता हुआ सी कॉइल द ए अगर जेड़ा अपना ओ तो पी पॉइंट आ वह एक्स की जगह कि रेडियस के इक्वल हो जाए तो की कहता जो अपने को एक्स इक्वल टू ए दिया गया दैन अपने को एक्स की जगह पर भी ए वैल्यू पुट की ए स्केयर प्लस ए स्केयर अपने को प्लस हो रहा तो 2 ए दी स्केयर पावर 3/2 एज इट इज उस तो बाद जो इन्हू ओपन कर दिया अपने को एक ए दी स्केयर इंटू 3/2 अपन पता है ए दी पावर एम पावर एन तो अपने को एम एन 2 नाल 2 कट हो गया अपने को ए दी पावर कितना हो जाना सी 3 हो जाना सी वह पावर जो 3 होंगी उपर अपने को पाया सी ए स्केयर तो वह कट हो गया अपने को कितना रह गया ए और अपने को 2 दी पावर की गल की इतने अपने को 2 1 2 4 2 2 4 तो अपने को 2 आया से एक अपने को 2 आ रहा है हूँ एक अपने को 2 की पावर 1 है एक 2 की पावर 3 बे सेम पावरस एड एलसीएम लैके अपने को कितना हो जाएगा 5/2 तो ए की पावर कितना आ गया अपने को 5/2 आ गया यह अपने को आ गया स्पैशल केस का आंसर आ गया जो अपने को जरा डिस्टेंस है किसी ओ टू पी पॉइंट का इक्वल हो गया अपने को रेडियस की थैंक यू